बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, गृहमंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वहां मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोवाल पीएम आवास पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कौन कौन लोग इस मीटिंग में शामिल है। जितेंद्र सिंह भी मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं और प्रत्युष लगातार सबके पहुंचने का सिलसिला शुरू। अब से कुछ मिनटों में, मुझे लगता है चंद मिनटों में, वो मीटिंग शुरू हो जाएगी जिसके बाद गद्दारों से मुक्त उस जन्नत का हर कोई उम्मीद लगाकर बैठा है। देखिए, जो लोग पहले ये कहते थे कि चुनाव चुनाव यहाँ की जनता चाहती नहीं है, पंचायत इलेक्शन में और डीडीसी के चुनाव में आपने देख लिया कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये पहली बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए। और माधुरी, आपको याद होगा अनंतनाग, वो इलाका, वो लोकसभा सीट जहाँ पर 3 साल तक चुनाव नहीं होते थे और वहां पर देखिए डीडीसी का इलेक्शन हुआ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। तो एक बड़ा मैसेज चला गया इन लोगों को कि आप जो वहां की आवाम को ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कोई तिरंगा नहीं थामेगा, कोई चुनाव में नहीं जाएगा, कोई डेमोक्रेसी में, उसका जवाब वहां की खुद आवाम ने दे दिया। और आज की तारीख में अगर 14 के 14 नेता यहाँ पर, 8 दलों के यहाँ पर पहुंचे हैं, तो समझिए क्यों पहुंचे। जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कभी फारूक अब्दुल्ला चीन की बात करते थे, महबूबा जो पाकिस्तान का राग अलाप रही है, सबको यहाँ पर आकर के बातचीत करनी, क्योंकि सबको अपना चेहरा दिखाना है वहां की आवाम को कि अगर केंद्र सरकार अगर आपको डायलॉग के लिए बुला रही है, नियुक्ति के लिए बुला रही है, तो आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते, आपको बातचीत में शामिल होना होगा। इसलिए ये चुनाव से ठीक पहले, अब यह मामला माधुरी अटकेगा परसीमन को लेकर, हालांकि इससे पहले एजेंडा इन लोगों ने कर दिया 370 का, लेकिन देखिए फारूक अब्दुल्ला जो इस गुपकार अलायंस के हेड है, उन्होंने अभी तक साफ साफ कहा है कि मैं महबूबा के बयान से इत्तेफाक नहीं रखता, उन्होंने बिल्कुल अलग कर लिया इससे। चले प्रत्युष, बने रहे, लौट हम आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक से जुड़ी है बड़ी खबर। कश्मीर से आए सभी नेताओं को बात रखने का मौका मिलेगा, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है फिलहाल। बिल्कुल, जो मीटिंग में सबसे आखिर में प्रधानमंत्री मोदी खुद बोलेंगे, कश्मीर को लेकर व्यापक रोड मैप प्रधानमंत्री बताएंगे, कश्मीरी नेताओं की जो आशंकाएं हैं उसको प्रधानमंत्री दूर करेंगे। लेकिन ये अहम है कि इसमें इन तमाम 14 नेताओं को अपनी अपनी बात रखने के लिए पूरा मौका मिलेगा और फिर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल सब लोग पहुंच गए, लेकिन इस बैठक से पहले अमित शाह और अजीत डोभाल भी, उन्होंने पहुंच करके प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। तो एक मजबूत रोड मैप तैयार है, अब सबके सामने रखा जाएगा। बिल्कुल, एक नए कश्मीर को लेकर, उस कश्मीर में जहां पत्थरबाजी देखने को नहीं मिलेगी, जहां पर उस जन्नत को लेकर हर कोई अपने स्वार्थ को पूरा करने की जो सोच रखता था उसको खत्म करने के लिए, ये आतंक मुक्त कश्मीर बनाने के लिए जो मीटिंग हो रही है इस वक्त, सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बैठक। हितेन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो कि फारूक अब्दुल्ला की गाड़ी के साथ लगातार चल रहे हैं। हितेन, क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए, फारूक अब्दुल्ला का काफिला आप देख रहे हैं, लेफ्ट में एलजी का घर है, जम्मू कश्मीर के जो एलजी है उनका आवास है 7 अकबर रोड, उस आवास से अभी गुजरा है। बस 2 मिनट के भीतर ये पूरा का पूरा काफिला जो है वो 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंच जाएगा। इस व्यक्ति पर आज पूरे विश्व की नजर इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 370 हटाने के बाद दोस्तों में पहली बार ऑल पार्टी मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर बुलाई है, जम्मू कश्मीर का विकास इन सभी नेताओं को साथ में लेकर वो सरकार करना चाहती है। तो ये व्यक्ति जो फारूक अब्दुल्ला, जो गुपकार गुट के मुखिया है, वो किन किन मुद्दों के साथ वहां पहुंच रहे हैं, इसीलिए दुनिया की नजर जो है आज इस व्यक्ति पर है। इसी हिंदुस्तान भी जो है इनके साथ लगातार चलता आ रहा है। जब वो अपने आवास से निकले थे मार्ग से, तब से जी हिंदुस्तान उन्हें फॉलो कर रहा है। देखिए, ये काफिला अब जो है 3 मूर्ति लाइन के तरफ जो है वो पहुंच चुका है, 3 मूर्ति लेन, अब ये काफिला लेफ्ट ले रहा है और करीबन 2 मिनट का वक्त और उसके बाद ये पूरा का पूरा काफिला जो है प्रधानमंत्री आवास में एंटर हो जाएगा और ये अपनी तरफ से अपने मुद्दे रखेंगे। देखिए, पहले जो है वो इनके पहले उमर अब्दुल्ला यहाँ से निकले, वो अकेले पहुंचे, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जो है वो निकले। हालांकि वो घर से निकले तब वो गाड़ी के बाहर आए, गाड़ी के बाहर आते ही बिल्कुल हितेन, फारूक अब्दुल्ला के इस काफिले को आप लगातार कवर कीजिए। हम चाहते हैं कि तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं जी हिंदुस्तान पर इस वक्त हमारे दर्शक देख पाए। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री के सर्वदलीय बैठक में सबसे बड़ी बैठक इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर, जिसका सपना धारा 370 के बाद उस जन्नत को बसाने का सपना, उस पर डेवलपमेंट का सपना,
हर कोई देख रहा था, हर कोई चाहता था कि वहां का टैलेंट बाहर निकले, वहां के लोगों को सुविधाएं मिले, वहां के लोग देश में हर जगह पर अपने आप को जल करके आगे बढ़ पाए। प्रत्युष आज उसकी बड़ी कवायद है। हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोग अमन चैन नहीं चाहते थे उनको भी हाथ जोड़कर आज दिल्ली आना पड़ा। देखिए सबसे बड़ी, सबसे कहते हैं ना कि अगर आप बदलाव की बात करते हैं तो आखिर बदलाव जो अलगावादी ताकतें कहती थी कि यहाँ पर कैसे बदलाव होगा, आप तो हमें दरकिनार कर रहे हैं, वहां की आवाम ने डीडीसी और पंचायत चुनाव में इसका जवाब दे दिया। और आज की ये बैठक देखिए, यहाँ पर बैठक हो रही है, पाकिस्तान में वहां पर हलचल मची हुई है। आपने देखा था कि जैसे ही बैठक का अनाउंसमेंट होती है बैठक की कि 24 तारीख को यहाँ पर बैठक होने वाली है, वहां पर विदेश मंत्री का बयान तुरंत आ जाता है कि साहब अगर वहां पर कुछ भी जरा सा भी बदलाव होता है तो ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं होगा, ये भारत को समझना चाहिए। उसके बाद महबूबा मुफ्ती कह देती है कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भी बातचीत आपको करनी चाहिए। ये अलगाववादी ताकतें, और आप देखिए जो गुपकार अलायंस बना था माधुरी, अगर आप इलेक्शन में देखिए तो पीडीपी की कितनी सीटें आई थी, अब आप देख लीजिए उस हिसाब से आप देख लीजिए ना। रोशनी घोटाला आपको याद होगा, ये आरोप लगा कि यहाँ पर सिर्फ दो ही परिवार है जो यहाँ पर हुकूमत करता है। और देखिए अल्ताफ बुखारी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता है, उन्होंने आज सुबह बयान दिया, उन्होंने कहा सात दशक तक इमोशनल ब्लैकमेल किया गया है वहां की आवाम को, अब वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये जो बार बार 370 की लड़त लगाए ये लोग बैठे हुए हैं, इनको अब इन सब चीजों को छोड़ देना चाहिए। दो साल बीत चुके, वो हट चुका है, अब यहाँ पर वो दोबारा लागू नहीं होगा, अब आगे बढ़िए। परिसीमन से सीटों का निर्धारण होगा और विधानसभा का चुनाव होगा। इस वक्त सबको इसी पर फोकस है कि विधानसभा चुनाव कब होते हैं, क्या इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में। एक और अहम बात है, आप इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, 3 बजे का समय था, आमतौर पर 10 मिनट लोग पहले पहुंच जाते हैं, फारूक अब्दुल्ला अभी तक पहुंचे नहीं है, लगभग 10 मिनट लेट वो पहुंचेंगे, किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, क्या कोई विशेष तैयारी कर रहे थे क्या जी? देखिए गुपकार अलायंस के वो हेड है, गुपकार अलायंस के हेड है फारूक अब्दुल्ला, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद आप कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर मीटिंग शुरू होगी। लगभग उससे पहले कांग्रेस खेमे के नेता यहाँ पर गुलाम नबी आजाद या फिर गुलाम अरे मीर वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आप देखिएगा बाकी जो पार्टियों के नेता है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं पीडीपी के, लेकिन अभी फारूक अब्दुल्ला साहब को थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुझे लगता है कि बमुश्किल 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा, फारूक अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद आधिकारिक तौर पर ये मीटिंग शुरू होगी। आप सोचिए कि अलायंस के नेता फारूक बिल्कुल कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान पर बात नहीं करेंगे, हम अपने वतन की बात को रखेंगे। आप सोचिए कि यहाँ पहुंचते पहुंचते भी गुपकार के भी दो धड़े दिख रहे हैं प्रत्युष, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का राग अलाप रही आज भी, हो सकता है वो मीटिंग में भी 370 की ही बात करेगी, 35A की ही बात करेगी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला डिफरेंट बात को रख रहे हैं जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी थी। माधुरी देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो एक बझे हुए सीजन पॉलिटिशियन है और कई मसलों पर वो संजीदा बयान देते हैं, ये अलग बात है कि ये वही फारूक अब्दुल्ला है माधुरी आपको याद होगा जिन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था, जब वो कह रहे थे कि हम चीन की मदद लेंगे। बिल्कुल कि बाद में उन्होंने कहा था कि नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिनकी पार्टी ने 2002 में वहां पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा में कह दिया कि 2026 तक तो यहाँ परिसीमन हो ही नहीं सकता, 370 हट गया तो वैसी कोई बंदिश नहीं है, अब परिसीमन हो रहा है। अब परिसीमन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर ही एक अलग स्वर आया, उन्होंने कहा कि साहब अगर ऐसे करेंगे तो हम पब्लिक को आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। तब फारूक अब्दुल्ला कहना पड़ा कि डिसीजन मैं अकेला नहीं लेता हूं, हमारे अंदर समिति है वो फैसला लेती है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया कि हम परिसीमन के निर्धारण का स्वागत करते हैं। अब ये देखिए परिसीमन के निर्धारण का स्वागत नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन बाकी पार्टियों को, जो बाकी पार्टी है चाहे वो पीडीपी हो या बाकी पार्टियों, उनको ये मंजूर नहीं है।